दिवंगत साथियों को याद करके इमोशनल हुए पीएम। तमिलनाडु में कहा, INDI गठबंधन वाले करते हैं हिंदू धर्म का अपमान। बंगाल में पीएम बोले, संदेश खाली को नया नंदीग्राम बनाने की तैयारी में बीजेपी। स्ट्रेटजी के तहत जमीनों पर कब्जे का नहीं, महिलाओं का उठाया मुद्दा। पीएम के खिलाफ हुई आचार संहिता उल्लंघन की एक और शिकायत, TMC ने लगाया आरोप। मोदी की ओर से भेजे गए मैसेज में भाजपा का हुआ प्रचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई मीटिंग, मैनिफेस्टो पर हुई चर्चा। 5 न्याय 25 गारंटी होंगी शामिल। खड़गे बोले, इन मुद्दों को देश के हर गांव घर तक ले जाएं। गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज ठाकरे, NDA में शामिल हो सकती है MNS। मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट मिलने की संभावना। पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा, कहा नाइंसाफी हुई। बिहार में NDA सीट शेयरिंग में हुए दरकिनार, भतीजे चिराग को मिली 5 सीटें। JDU के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ ने दिया इस्तीफा, RJD में हो सकते हैं शामिल। मधुबनी से चुनाव लड़ने की कर रहे तैयारी। हेमंत सोरेन की भाभी सीता BJP में हुई शामिल, कहा झारखंड को झुकाना नहीं बचाना है, सभी 14 सीटों पर खिलेगा कमल। हरियाणा मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, डॉक्टर कमल गुप्ता और सीमा त्रिखा ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई शपथ। बिलावल भुट्टो की बहन आसिफा की चुनावी राजनीति में एंट्री, पिता जरदारी की सीट से लड़ेंगे चुनाव। 8 दिन पहले पाकिस्तान की बनी थी फर्स्ट लेडी। CAA के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार CAA पर 3 हफ्ते में दे जवाब, 9 अप्रैल को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से बोले, इस दौरान नागरिकता न दी जाए। संजय मुखर्जी होंगे पश्चिम बंगाल के नए DGP। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले राजीव कुमार को हटाया था, विवेक सहाय को दिया था कार्यभार। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट बोला, रामदेव हाजिर हूँ, जवाब नहीं दिया तो पूछा अवमानना का केस क्यों न चलाया जाए। के कविता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका ली वापस। एक्साइज पॉलिसी केस में ED के खिलाफ लगाई थी, 23 मार्च तक रहेंगी एजेंसी की रिमांड पर। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 माओवादी हुए ढेर। गढ़चिरौली में 36 लाख के 4 इनामी और दंतेवाड़ा में महिला सहित मारे गए 2 नक्सली। बेंगलुरु में धार्मिक विवाद के बाद सड़कों पर उतरे लोग। अजान के वक्त दुकानदार हनुमान चालीसा बजा रहा था, मुस्लिम युवकों ने की मारपीट। कोटा में NEET की तैयारी कर रही छात्रा का हुआ अपहरण, हाथ पैर और मुंह बंधी फोटो पिता को भेजी, 30 लाख रुपए मांगी फिरौती। आज सेंसेक्स 736 अंक गिरकर 72,012 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 238 अंक टूटा। PCS और BPCL के शेयर में 4% से ज्यादा ही रही गिरावट। दिसंबर 2024 तक आएगी पहली मेड इन इंडिया चिप। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बोले, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बन गया है, यहाँ से 8,294 करोड़ के इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट होगा। होली के कारण लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। मार्च के आखिरी 10 दिनों में अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। सिद्धू की 6 साल बाद क्रिकेट कमेंट्री में हुई वापसी। IPL के पहले मैच से करेंगे शुरुआत, पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सरदार ऑफ कमेंट्री इज बैक। IPL 2024 सीरीज के पार्ट 2 का हुआ आयोजन। 1 IPL मैच की कमाई रही पूरी पाकिस्तान लीग के बराबर। 10 क्रिकेट लीग मिलकर भी इससे 4 गुना पीछे। मुंबई में स्टाइल आइकॉन अवार्ड 2024 का हुआ आयोजन। कियारा आडवाणी का दिखा ग्लैमरस लुक, ऑल ब्लैक लुक में दिखी शिल्पा शेट्टी, दिशा पाटनी और जानवी कपूर समेत दिखे कई सेलेब्स।